तो पहले थोड़ा सारा का प्यार भरिया सत श्री अकाल। मैं मूल बाजा हेमकुंड एजुकेशन कंसल्टेंट का फिर थोड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत ही वधिया अपडेट लैके हाजिर होया। सो दोस्तों, जिवें कि सानू पता कि ऑस्ट्रेलिया तो वैक्सीन हुण 22 मार्च तो रैंप अप होने वाली है। तो हुण जो उतों के मिनिस्टर्स हैगे ने, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैगे, उन्होंने सब की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तो यह मांग है कि हुण सानू ट्रांसपेरेंसी दो कि हुण तुहाडी वैक्सीन शुरू हो चुकी है तो हुण तुसीं बॉर्डरस कदों खोलोगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में प्लीज़ एंड तक जरूर वेखना ताकि तुहाडे कोल मेरी हर एक इनफॉर्मेशन पहुँच सके। इस वीडियो में कुछ वधिया इनफॉर्मेशन हैगी तो कुछ बुरी इनफॉर्मेशन भी हैगी इंटरनेशनल स्टूडेंट वास्ते। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक जरूर वेखा, तो वीडियो में स्किप ना करा दे। तो इसी नाले पर शुरू कर दे अपनी अज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जिवें कि तुसीं हुण अपनी स्क्रीन पर वेख रहे हो कि एज ऑस्ट्रेलिया कोविड 19 वैक्सीन रोल आउट स्प्लटर, वी नीड ट्रांसपेरेंसी अबाउट वैन द इंटरनेशनल बॉर्डरस माइट ओपन। जिवें ऑस्ट्रेलिया के कोविड 19 की वैक्सीनेशन लगनी हुण ज़्यादा शुरू होएगी, उवें उवें ही सब की मंग हैगी कि सानूं एक टाइमलाइन दो कि इंटरनेशनल बॉर्डर हुण कदों ओपन होणगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ हाफ प्राइस एयरफेयर टू एनकरेज डोमेस्टिक टूरिज्म हाईलाइट्स अनदर आइटम टू अनफिनिश्ड कोविड पॉलिसी बिजनेस वैन ऑस्ट्रेलियाज इंटरनेशनल बॉर्डर भी रीओपन। सानू जिवें कि पता कि पिछले स्कॉट मॉरिसन ने 1.2 बिलियन का जो बजट पेश किया, इन्होंने हर एक ऑस्ट्रेलियन हाफ प्राइस से एयरफेयर की टिकट ऑफर की कि ऑस्ट्रेलिया के 11 डेस्टिनेशन से जिधर मर्जी घूम सकते हैं। तो वह एक वधिया खबर से कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर रीओपन हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनल टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की है। द बॉर्डर क्वेश्चन सच एज वेन टू रिमूव द एग्जिट कंट्रोल एंड लिफ्ट द होटल क्वारंटीन फॉर अराइवल्स प्रोफाउंड इंप्लीकेशन फॉर द इकोनॉमी। का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि कदों ऑस्ट्रेलियन जो है ऑस्ट्रेलिया एग्जिट कर सकते हैं, होटल क्वारंटीन लिफ्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही वीड्डी इंप्लीकेशन रहेगी इकोनॉमी के वास्ते। बॉर्डर क्लोजर हैव बीन द की टू ऑस्ट्रेलिया एस्केपिंग द वर्स्ट रेवेजेस ऑफ द पेंडेमिक एंड सक्सेसफुली परस्यूइंग एन एलिमेंटेशन स्ट्रैटेजी ऑन कोविड 19। बॉर्डर क्लोजर है ऑस्ट्रेलियंस वास्ते बहुत ही वीड्डी एक सजा है। तो कह रहे हैं आप जल्दी उम्मीद करना है कि बॉर्डर खोले जाएंगे तो एक स्ट्रैटेजी लैके आई जाएगी कोविड 19 के वास्ते, ताकि ऑस्ट्रेलियंस जो है वो बाहर मूव कर सकन क्योंकि वो हम ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहते। वाइड स्प्रैड वैक्सीनेशन विल इवेंचुअली एनेबल ऑस्ट्रेलिया टू रीओपन इट्स बॉर्डर। द क्वेश्चन इज वन वाइड स्प्रैड वैक्सीनेशन अंत के क्वेश्चन खड़ा कर दी है कि बॉर्डर कदों खोले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, ये अपने आप में बहुत ही वड्डा क्वेश्चन हैगा। मिनिस्टर्स ने फैडरल गवर्नमेंट तो एक क्वेश्चन पूछा कि सानू दसो कि तुहाडी किन्नी अगर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है तो तुसी बॉर्डर खोलोगे। तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तो एक क्वेश्चन रहा है सारे इमीग्रेशन मिनिस्टर का कि सानू डिक्लेयर किया जाए कि ऑलमोस्ट किन्नी पॉपुलेशन तो ऑस्ट्रेलिया की 50% 60% 40% किन्नी वैक्सीनेट हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर हुण खुल जाएंगे। हुण मैं तुहानू एक बहुत ही वड्डी गल दसदा कि ऑस्ट्रेलिया के कोल इस टाइम वैक्सीन की भी कमी हैगी, पर हुण जो 22 मार्च तो उन्हां दी लोकली प्रोड्यूस वैक्सीन रैंपअप होने वाली है, उहदे करके आपां कह सकते हैं वैक्सीन की कमी नहीं हैगी। बट उन्होंने को वैक्सीन लानी है तो वेन्यूज़ की कमी हैगी, वे वे हॉल्स की कमी हैगी। उन्होंने ये भी कोशिश की कि जो वे वे स्टेडियम्स हैं उन्होंने शैल्टर पा के वैक्सीनेशन का हब बनाता ताकि मिलियन लोग एक दिन के वैक्सीन लवा सकन। पर हम देख रहे हैं कि किन्ने साबित हो सकते हैं, जिमें कि सानू सब पता है कि एक ने अज वैक्सीन लवाई, एक ने 28 दिन बाद वैक्सीन लवानी, पर उन्होंने ये हो रहा है कि एक ने अज वैक्सीन लवाई, दूजे की वैक्सीन लवा की वारी जो है 2 तो 3 वीक या 3 तो 4 वीक के बाद आ रही है। जीपीस के उत्ते बहुत ही ज़्यादा कमी हैगी, जनरल प्रैक्टिश जिन्होंने वैक्सीन लवानी उन्होंने उत्तर बहुत ही ज्यादा कमी हैगी ऑस्ट्रेलिया के वैक्सीन देने वास्ते। सानू सब पता कि कल वैक्सीन वास्ते बहुत ही वड्डा प्रोटेस्ट भी होया मेलबर्न के सिडनी के भी बहुत ही वड्डा प्रोटेस्ट चल रहा है। हुण गवर्नमेंट ने जो 100 क्लीनिक्स ने उन्होंने सैट किया कि जिते वैक्सीन मिलेगी तो लोग उत्तर फोन करके अपनी वैक्सीन की डिटेल लै सकते हैं कि उन्होंने नंबर कदों आने वाला है वैक्सीन लैन का। हुण मंडे तो फेस 1B शुरू होने वाला जिदे विच हुण एडल्ट्स भी काउंट होणगे, पर एडल्ट्स वो काउंट होणगे जो मेडिकल लाइन दे विच काम कर रहे हैं, उन सारे नूं हुण वैक्सीन दित्ती जाऊगी जल्दी जल्दी। इहदा टारगेट हैगा 6.4 मिलियन वैक्सीन देण दा, ते आपां उम्मीद कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जल्दी जल्दी ये वैक्सीन दा टारगेट पूरा करे ताकि बॉर्डरस दी बहुत ही वधिया अपडेट निकल के आए उन आने वाले महीने दे विच। हुण दोस्तों, हुण आपां आ गए अपनी अगली वड्डी अपडेट ते जो हैगी वी मस्ट फाइंड अ पाथ टू ऑस्ट्रेलिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अपन एक पाथ देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट रिटर्न कर सकन ऑस्ट्रेलिया के। 1 year ago this Friday Prime Minister Scott Morrison issued one of the defining statement of the COVID-19 pandemic. Australia is closing its border for all non-citizens and non-resident. It was the right call for to protecting all Australians, but one that we all know that come at the price. पिछले साल इसी दिन इसी महीने के ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर बंद किए सन। सानू सबनों पता है कि 21 मार्च 2020 ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर बंद करते सन सारे नॉन सिटीजन वास्ते जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे सन। जो NSW की इकनोमी हैगी 13.8 बिलियन नाल गिर चुकी है पिछले साल जून तो लैके, जो कि इक्वेट कर दे कि $1700 पर परसन ने गवाए ने 13.8 मिलियन की इकनोमी के जो इन्हों की गिरी है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਜੋਬਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ 2,20,000 ਜੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਅਨਦਰ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਦਾ NSW ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਟੂ 5.6%, ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਜੋਬ ਕੀਪਰ ਲੂਮਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕੀਨਲੀ ਫੈਲਟ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ। Last week, tourism support package announced by the federal government highlighted that the sector ongoing way the with the international borders still firmly closed and in interstate travel still seen as precarious by mainly due to the hypersensitive lockdown relax and certain states. 5.6% ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਿਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2,20,000 ਜੋਬਸ ਜੋ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਕੋਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ 1.2 billion ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੋ NSW ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਉਟ 38.4 billion ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਮਾਲ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟਰੈਵਲ ਬਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਬਬਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਫਰੀ ਟਰੈਵਲ ਬਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਆਂਟਸ ਦਾ ਜੋ CEO ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਬਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਆਂਟਸ ਦਾ CEO ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਬਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਓਵਰ ਸਮ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਐਡਵਾਈਸ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੋਰਿਸਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਅ ਕਾਲਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਸੀਟਸ ਔਨ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਐਂਡ ਰੂਮਸ ਇਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਫੋਰ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਟੂ ਸੂਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫੋਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਹਾਇਰ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਰਕਰਸ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਨੇਟਿਵ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਕੋਟ ਮੋਰਿਸਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿਕਟਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਜ਼ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਫਿਗਰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ੋਟ ਆਫ ਦੈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਜ਼ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪਡ ਫਰੋਮ 6.3 ਟੂ 5.8% ਇਨ ਫੈਬਰੀ। However, business are bracing for the end of the jobkeepers wages subsidy at the end of this month. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 6.3 ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 5.8 ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪਲੇਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। It is also revealed on Thursday that about 7,500 Qantas employee would receive $500 a week in a direct income support from the federal government as a part of the 1.2 billion aviation industry support package announced last week. So last week announced kita si package 1.2 billion da tourism package elan kita si ohde vich jo 7500 Qantas de employee hage ne ohna nu $500 per week jo hai ki payment mil rahi hai ohna de account de vich even ki ohna de kol koi job nahi hai gi. Hun agge ek student ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ। ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਆਸਕਡ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੇਸ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਾ COVID-19 ਬਾਰਡਰ ਕਲੋਜਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਲੋਸ ਆਫ 5 lakh ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਹੂ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 lakh ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਸਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ
काम करने वाले की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है ऑस्ट्रेलिया दे, क्योंकि सानू सब नू पता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो है इन्ना काम करके खुश नहीं है। इस वास्ते जो इंडियंस है जो पाकिस्तान के लोग है उ उत्थे जाके ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्होंने इकनोमी हायर लैवल पर पहुँचाते हैं। सो फ्रेंड्स अगे मैं तुम्हें यह सारी अपडेट पढ़ के नहीं सुनावगा, बट तुम मैं मोटा मोटे गल दस देना कि अगे इस सारी अपडेट के यही लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के हम लेबरस की बहुत ही ज़्यादा कमी होती जा रही है, क्योंकि हम जिमें जिमें इकनोमी रिकवर कर रही है सारे अपने काम से वापस जा रहे हैं, हम वर्कर्स की बहुत ही ज़्यादा उत्थे डिकलाइन वेख्या जा रहा है, क्योंकि उत्थे काम करने वास्ते कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई उत्थे इस टाइम मालक बन के बहना चाहता है, क्योंकि सिर्फ वो इंडियन स्टूडेंट्स ही सन जो उत्थे जाके काम करते सन, उन्होंने इकनोमी सपोर्ट करते सन। तो हम आने अपनी अगली वड्डी न्यूज़ से जो है, कोलिशन MPs कॉल फॉर द कोरोना वायरस क्वारंटीन स्पेस टू बी रिजर्व फॉर अ स्किल माइग्रेंट इन द रेडिकल रिपोर्ट। ये सारे जो है इस टाइम जो ने इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जो टैंपरेरी वीज़ा होल्डर हो गए सन, तो कुछ जो सन और स्किल्ड माइग्रेंट सन, उन सब की अर्जी हैगी इस टाइम स्कॉट मॉरिसन गवर्नमेंट नू कि क्वारंटीन का एक स्पैशल प्लेस तैयार किया जाए, क्योंकि हुण वैक्सीनेशन भी रैंपअप होने वाला है 22 मार्च तो घट्टो घट आप उम्मीद कर रहे हैं कि लख लख बंदे वैक्सीनेशन अगर लगे तो महीने तक वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगी। तो हुण जो सारे ने वो एक टाइमलाइन पूछ रहे हैं कि कदों ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर खोले जाएंगे, तो आप उम्मीद कर रहे हैं। सो दोस्तों ये जल्दी ही अपडेट निकल गया आएगी कि तो तुम लेटेस्ट बैक टू ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड कराना ना भूलो, तो स्कॉट मॉरिसन को भी टैग करना ना भूले ताकि उन्होंने तक साड़ी ये अर्जी पहुँच सके ते वो साढ़े बारे कुछ सोच सकन। फ्रेंड्स वैसे कितनी अजीब गल आप वेख सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया पढ़न जाते हैं, ये बहुत ही वड्डी डेस्टिनेशन हैगी इंटरनेशनल स्टूडेंट की, पर सानू ये नहीं पता कि उन्होंने कोल इन्ने स्पेस ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट नू क्वारंटीन कर सकन अपने ऑस्ट्रेलिया दे विच, ना ही उन्होंने कोल इन्ने वड्डे स्पेस है कि वो हायर लैवल पर वैक्सीनेट कर सकन पूरे ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड घट्टो घट 50,000 जॉब वैकेंसीज है ने रीजनल ऑस्ट्रेलिया दे स्किल्ड माइग्रेंट वास्ते ताकि वो अप्लाई कर सकन जॉब्स दे वास्ते, उत्थे उन्होंने स्पॉन्सरशिप मिल सके ते वो ट्रैवल कर सकन। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करना कि जल्दी तो जल्दी ही बहुत ही वधिया अपडेट निकल के आएगी इंटरनेशनल स्टूडेंट के वास्ते, तो चैनल को प्लीज सबसक्राइब करो ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके, बैल आइकन प्रेस करना ना भुलिया जे, ते इसे नाल जुड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।